नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैंगोज आर सोल्ड एट 43.5 रुपीज पर केजी। एक केजी मैंगो को आपको सेल आउट किया गया 43.5 रुपीज में। व्हाट इज द वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर 326 1/4 रुपीज। 326 1/4 में आपका कितने केजी मैंगोज आएंगे? सो सॉल्व मैंगोज पर केजी, पर केजी का कितना है? 43.5 रुपीज। वेट ऑफ मैंगोज अवेलेबल फॉर 326 1/4 रुपीज। इसके लिए आपको डिवाइड करना है, सो हम करेंगे 326 1/4 डिवाइडेड बाय 43.5। अब देखिए दोनों जो डिजिट है वो आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फ्रैक्शन में, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। सो 326, अब देखिए 4 को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 326 से, सो 326 मल्टीप्लाई विथ 4, हम साइड में कर रहे हैं, 4 6 24 का 4 कैरी 2, 4 2 8 8 + 2 10 का 0 कैरी 1, 4 3 12 12 + 1 13, सो यहाँ पे आ रहा है आपका 13 1304। इसमें आपको ऐड करना है 1, जब 1304 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1305 डिवाइडेड बाय 4, इसको अब आपको डिवाइड करना है 43.5 से, सो हमें करना है 43 × 2, 2 3 6 2 4 8 86 86 + 1 87, सो 87/2। अब हमें डिवाइड की प्रोसेस करनी है, 1305/4 रेसिप्रोकल ऑफ 87/2 का रेसिप्रोकल होगा आपका 2/87, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2/87 से हमने इसको मल्टीप्लिकेशन करा है। अब देखिए 2 की टेबल से 4, 2 1 2 2 2 4 2 10, आपके पास बचा है 1305 डिवाइडेड बाय 2 × 87। 1305 and 87 को हम डिवाइड करेंगे 3 की टेबल से, 3 2 6 8 - 6 2 2 7 27 3 9 27, तो ये डिवाइड होगा 29 टाइम फ्रॉम टेबल ऑफ 3, और अब आप इसको डिवाइड करेंगे 3 4 12 13 - 12 1 10, 3 3 9 10 - 9 1 1 5 15 15 आता आपका 5 10, सो यहाँ पे हमारा आंसर है 435 डिवाइडेड बाय 2 × 29। अब देखिए हम इसको डिवाइड करके जब देखेंगे 29 की टेबल को 5 टाइम अगर हम करते हैं, 5 9 45 का 5 कैरी, अब आपको इसको 29 × 7 करिए, 7 5 9 7 35 का 5 कैरी 3, 7 2 14 14 + 3 15 16 17 175 आता है। ओके, सो अब हमें 29 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 435 को, 435 डिवाइडेड बाय 29 की टेबल से 29 1 29 13 - 9 4 3 - 2 1 145, 4
टाइम डिवाइड करके देखेंगे हम 29 की टेबल 5 टाइम डिवाइड करके देखेंगे, 5 9 45 का 5 कैरी 4, 5 2 10, 10 + 2 14, 145. सो ये आपका आया 15 10, 29 की टेबल से ये आ रहा है आपका, कितनी बार डिवाइड हो रहा है 15 टाइम. सो ये हो गया आपका 15 टाइम डिवाइड. अब हमें करना है 15 डिवाइडेड बाय 2. 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप, 2 7 14, रिमाइंडर बचेगा आपका 1. सो हम इसे लिखेंगे 7 1/2. ये आपका आंसर है केजी, 7.5 kg. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विकास कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22/3 किलोमीटर इन 7 3/5 आवर्स ऑन फुट. हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक. विकास एक डिस्टेंस 22/3 किलोमीटर को कवर कर सकता है 7 3/4 आवर्स में यूजिंग हिज फुट. हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक. तो वो कितने किलोमीटर एक आवर में चला है, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस 1 आवर में कवर की है. सो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है क्योंकि हमें 1 आवर का निकालना है, पर आवर 1 का निकालना है. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड. विकास कवर अ डिस्टेंस इन 7 3/4 आवर इज इक्वल्स टू 22/3 किलोमीटर. विकास कवर डिस्टेंस इन 1 आवर. 1 आवर में कैसे करेगा, डिवाइड करना है 22/3 / 7 3/4. मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20 × 3 = 60, 60 + 2 = 62/3 डिवाइडेड बाय 4 7 = 28, 28 + 3 = 31 डिवाइडेड बाय 4. अब हमें निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ 31/4. 31/4 का रेसिप्रोकल है आपका 4/31. सो 62/3 मल्टीप्लाई विथ 4/31, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 31 की टेबल से 62 कट होता है 2 टाइम, 2 × 4 डिवाइडेड बाय 3, 2 × 4 = 8 डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे हम, 3 2 = 6, रिमाइंडर बचेगा आपका 2. तो हमारा आंसर आ गया है 2 2/3 किलोमीटर जो है वो 1 आवर में कवर करेगा.